दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे जो कि आज के खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, कई क्वेश्चन रीजनिंग के भी आए हैं, उनका सलूशन आपको मैं बताने वाला हूं। तो उससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। मतलब क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, 4, 10, यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा, और 82, 244, 730। ओके, तो सबसे पहले आपका एक ही काम रहेगा कि 4 से हमें 10 बनाना है। तो 4 से 10 कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपके दिमाग में आया होगा 4 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाता है, 12, और 10 बनाना है तो इसमें 2 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 10। ओके, इसी प्रकार इसमें करते हैं, 10 में हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करें, 3 का, और 2 घटा दें तो हमें मिल जाता है आंसर 28। तो आपका आंसर हो जाएगा 28। आगे भी यही पैटर्न फॉलो करके देख लेते हैं, अगर ये ट्रिक गलत होगी तो आगे पता चल जाएगा, अगर नहीं गलत होगी तो ये पैटर्न जो होगा वो फॉलो करता चला जाएगा। ओके, अब देखिए 28 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा हमारा 84, और 2 घटा देंगे हमारा हो जाएगा 82। फिर 82 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 246, और 246 में 2 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 244। अब वही काम हम लोग 244 में करेंगे, 244 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाता है 732, और 732 से अगर 2 घटा दें तो हमें मिल जाता है 730। तो मतलब पैटर्न फॉलो कर गया तो आपका ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा 28। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि ब्लड रिलेशन का है। अगला क्वेश्चन आपका है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, और ई ए का पति है। ओके, ए जो है, देखिए ई जो है ए का पिता है, यहाँ पे पति नहीं होगा, यहाँ पे पिता होगा, तो डी का ई से क्या संबंध है। तो दोस्तों देखिए करते हैं, पहले क्या कहता है, ए बी का भाई है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ए किस बी किसका भाई है, बी का। प्लस चिन्ह यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे मेल को इंगित करने के लिए यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा लिया। और देखिए ए किसका भाई है, बी का भाई। अब आगे कहता है बी सी का भाई है, तो दोस्तों सी का भाई कौन हो जाएगा, बी। ओके, क्योंकि ए भी बी का भाई है और सी किसका भाई हो गया, बी का। अब आगे क्या कहता है कि सी डी का पति है। अब तो मतलब पति जब होगा तो प्लस होगा, मतलब मेल होगा, तो ये डी हो जाएगा, डी क्या हो जाएगी, फीमेल, मतलब सी की पत्नी डी हो जाएगी। तो हम लोगों ने ऐसे चिन्ह लगा दिया पता करने के लिए। आगे कहता है कि और ई ए का पति है, तो यहाँ पे ई हम लोग प्लस कर देंगे क्योंकि वो मेल है, तो ई ए का क्या हो जाएगा, पिता। जब ए का पिता ई है और ए और बी सी दोनों तीनों के तीनों भाई हैं, तो इन तीनों के पिता कौन हो जाएंगे, ई। ओके, जब सी का पिता ई है, ओके, तो सी की पत्नी कौन है, डी, तो उस हिसाब से ई का संबंध डी से क्या होगा, बहू का। क्योंकि दोस्तों देखिए ई जो है सी का पिता है और सी जो है सी की पत्नी कौन है, डी, तो इस हिसाब से ई का संबंध डी का संबंध ई से क्या होगा, बहू का। तो आंसर आपका हो जाएगा बहू। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ये लिखा जाता है तो निम्नलिखित माह में से किसे इसको के रूप में लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखिए दिसंबर को क्या लिखा जाता है, ये, और कैसे आएगा। तो सबसे पहले सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं हम लोग, अब लास्ट में देखते हैं, ये वाला अक्षर यहाँ पे चला जाएगा और आर वाला यहाँ पे चला जाएगा, फिर दो मतलब लेते हैं हम लोग दो दो के जोड़े, फिर बी वाला यहाँ पे चला जाएगा और एम वाला यहाँ पे चला जाएगा। अब देखिए सी ई में आते हैं, ई वाला यहाँ चला जाएगा और सी वाला यहाँ पे चला जाएगा। ओके, अब डी ई में आते हैं, तो ई वाला जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और जो डी वाला होगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये वाला कोड बनाना है तो लास्ट से हम लोग सारे के सारे अक्षर उठा लेंगे, पहले ई उठाएंगे, फिर ये आर उठाएंगे, फिर एम उठाएंगे, फिर बी उठाएंगे, फिर सी उठाएंगे, मतलब पीछे से सारे अक्षर उठाएंगे। ओके, तो इससे हमारा ये कोड बन जाता है। उसी प्रकार आगे क्या कहता है, इसको क्या लिखा जाएगा, इसके रूम में क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसको मैं आपको बता देता हूँ, इसको नवंबर लिखा जाएगा। हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाएंगे।
तो लास्ट वाले दो जोड़े उठाएंगे, ओ इधर आ जाएगा, एन इधर आ जाएगा। अब बी को उठाएंगे, ई देखिए इधर आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा। अब एम बी को उठाएंगे, बी देखिए दोस्तों इधर आ जाएगा और एम इधर आ जाएगा। अब ई आर में देखिए, आर का पोजीशन इधर आ जाएगा और ई की पोजीशन इधर आ जाएगी। ओके, अब लास्ट से सारे अल्फ़ाबेट उठा के आगे कर देते हैं। देखिए एन को उठाया, एन यहाँ रख दिया। ओ को उठाया, ओ यहाँ रख दिया। वी को उठाया, बी यहाँ रख दिया। अब ई को उठाया, ई यहाँ रख दिया। एम को उठाया, एम को यहाँ रखा। वी को उठाया, फिर वी को यहाँ रखा। फिर ई को यहाँ उठाया, ई को यहाँ रख दिया। और आर को यहाँ से उठाया, आर को रख दिया। ओके, तो हमारा क्या अल्फ़ाबेट बन गया? नवंबर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नवंबर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में एक्स का मान बताइए। यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आएगा। तो दोस्तों देखिए, ये एक एक कमा एक कमा दो कमा तीन कमा पाँच कमा आठ ये दिया हुआ है, यहाँ पे हमें बताना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? एक अक्षर छोड़ के हमें एक से दो बनाना है, फिर एक अक्षर छोड़ के दो से हमें पाँच बनाना है, फिर एक अक्षर छोड़ के पाँच से हमें जो बनाना है वही हमें लाना है। ओके, तो एक से हमें दो बनाना है, तो क्या करेंगे? एक में दो का मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे, प्लस जीरो ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाता है? दो। अब दो से हमें पाँच बनाना है गाइस, तो दो में दो का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस एक ऐड कर देंगे। ओके, मल्टीप्लाई तो दो का होता रहेगा, लेकिन जो जोड़ेंगे वो एक कमा दो कमा तीन कमा ऐसे चलता रहेगा आगे तक। जोड़ दिया तो हमें मिल गया पाँच। अब देखिए पाँच में दो का मल्टीप्लाई करेंगे और दो ऐड कर देंगे, तो पाँच दूनी दस, और दस में दो ऐड किया तो हमारा हो जाएगा बारह। आंसर देखिए आपका हो जाएगा बारह। अब देखिए बारह में दो का मल्टीप्लाई करेंगे चौबीस, और चौबीस में तीन ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाता है इक्कीस। और उस हिसाब से आपके ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा बारह। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल सा है, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा अक्षर आएगा। तो दोस्तों देखिए आगे क्या है, बी सी डी ई का संबंध है जी एच आई के से, उसी प्रकार एल एम एन पी का संबंध हमें निकालना है, जो कि हम लोगों ने निकाल लिया है। पहले सारे अल्फ़ाबेट के कोड लिख देंगे। देखिए बी का अल्फ़ाबेट कोड होता है दो, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इधर कर लेते हैं। देखिए बी का अल्फ़ाबेट कोड होता है दो, सी का होता है तीन, डी का कोड होता है चार, और एफ का होता है सिक्स। मतलब स्टार्टिंग में दो तीन चार तो चल रहा है, उसके बाद दो का गैप है, एक का गैप है, और फिर देखिए अगला इससे जो हमें बना वो क्या बना, जी एच आई आई के, जी का कोड होता है सात। ओके, जी का होगा कोड सात, फिर एच का होगा आठ, फिर होगा आई का नाइन, के का होगा इलेवन। ओके, तो इलेवन के बाद क्या आएगा? बारह। अब ये देखिए एल का कोड होता है बारह, एम का कोड होता है तेरह, फिर एन का कोड होता है चौदह, पी का कोड होता है सोलह। मतलब जो तीसरे वाला अक्षर है उसमें देखिए एक का मतलब डिफरेंट होना चाहिए, मतलब तीन से चौथे में जानेंगे। देखिए एन से जब पी बना तब कितना अंतर है, एक का अंतर है, तो आगे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। 16 के बाद क्या आएगा? 17। तो 17 का क्या कोड क्या होता है? क्यू, और उसके बाद 18, 18 का होता है आर, फिर एस, 19 का क्या होता है? एस, फिर 19 में एक और दो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 21, और 21 किसका होता है? यू का। तो आपका आंसर हो जाएगा क्यू आर एस यू। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन मिले मैंने आपको बता दिए। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।